हेलो दोस्तों, जो Asus का ROG फ़ोन लॉन्च हो गया है, Asus का ROG गेमिंग फ़ोन, एकदम दिखने में तो कमाल सा डिज़ाइन और गेमिंग के तरह ही डेडिकेटेड गेमर के लिए ही ये बनाया है, तो क्या ये फ़ोन वर्थ है लेने के लिए, और सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। और 70,000 रुपये इस गेम का प्राइस है इस फ़ोन का। क्या दोस्तों 70,000 रुपये में ये फ़ोन वर्थ है लेने के लिए? 70,000 में तो एक गेमिंग PC भी आ जाएगा। 70,000 रुपये में ये फ़ोन वर्थ है लेना, क्या सही होगा या गलत होगा, इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों ये जो 70,000 का फ़ोन है, गेमिंग फ़ोन, ये काफ़ी दिखने में अमेजिंग लगता है और एकदम गेमर के लिए है। प्लीज़ डेडिकेटेडली गेमर के लिए ही बनाया गया है ये फ़ोन, दिखने में एकदम गेमिंग की तरह। पीछे एक लाइट दे रखा है जिसकी लाइट आप चेंज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। और दोस्तों इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों और पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन का डिज़ाइन के बारे में। दो कैमरा मिलता है पीछे के साइड और एकदम आँख की तरह है, जैसे गेम में कुछ होता है ना, एकदम ऐसे बनाया हुआ है, देख के नहीं लगता वो कैमरा है। कैमरा वहाँ दो कैमरा मिल जाता है। और दोस्तों नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर, चार कोना बॉक्स के तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। डिजाइन ग्लास मेटल सब कुछ दे रखा है और दोस्तों देखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है। दोस्तों इस फ़ोन में जो कैमरा मिलता है पीछे के साइड, दो कैमरा मिलता है बता दिया मैंने, एक 12 मेगापिक्सल और एक 8 मेगापिक्सल का दो कैमरा मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा है उसका एपर्चर है f1.8 का और काफ़ी अच्छी दिखने को मिलता है। और जो फ्रंट कैमरा है उसमें 8 मेगापिक्सल का भी फ्रंट कैमरा दिया रखा है, तो ये भी f2 का एपर्चर है, ये भी डिसेंट फ़ोटो लेता है, एकदम अच्छी नहीं और एकदम बुरी भी नहीं, तो ये काफ़ी अमेजिंग है फ़ोटो लेने के लिए भी। और दोस्तों सामने की साइड इस फ़ोन में बेजल्स मिल जाता है थोड़ी मोटी मोटी, तो दोस्तों ये गेमिंग फ़ोन है, पकड़ने के लिए ही ये दिया है, नहीं तो और कुछ और जो मार्केट में आता है फ़ोन उसके लिए ये नहीं है, उसके जैसा नहीं है, जो बेजरलेस पूरी तरीके से। तो ये गेमिंग फ़ोन है इसलिए ही इसे थोड़ी बेजल्स मोटी दे रखी है। वेल दोस्तों अगर बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर, हार्डवेयर, प्रोसेसर और स्पेसिफिकेशन के बारे में, दोस्तों इस फ़ोन में मिलता है Qualcomm Snapdragon 845 और ये AM 845 नहीं है, ये काफ़ी पावरफुल स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर है, बट ये काफ़ी पावरफुल है और इसमें आपको 2.96 GHz का अंडर क्लॉक्ड प्रोसेसर मिल जाता है, स्पीड का प्रोसेसर मिल जाता है। और जो ये सबसे देखो कंपनी एक प्रोसेसर बनाता है तो जो एकदम पहले जो बनाता है वो एकदम काफ़ी हाई लेवल का होता है, और जो बाद में जो 1+60, 1+6 और जितने भी 845 वाले प्रोसेसर है और पोको F1 भी है, और इसके साथ और उस 45 के साथ कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि ये गेमिंग फ़ोन है और इसको गेमर्स के लिए ध्यान में बनाए रखा है और ये अंडरक्लॉक प्रोसेसर है, इसलिए इसकी स्पीड उससे आपको कहीं गुना ज़्यादा बहुत मिलेगी और देखने को भी मिल सकता है, आपको स्पीड बहुत ज़्यादा मिल सकता है। और दोस्तों इस फ़ोन में फुल एचडी स्क्रीन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले, और जो डिस्प्ले है वो एक AMOLED डिस्प्ले है, और AMOLED डिस्प्ले और 90Hz की ये डिस्प्ले है, और तो मज़ा आ गया, 90Hz की डिस्प्ले ये देखने को मिल सकता है इस फ़ोन में, मिल सकता है ना, मिल गया है। और दोस्तों इस फ़ोन में बैटरी मिलता है 4000 mAh की बैटरी और क्विक चार्ज 4.0, मतलब क्विक चार्ज 4.0 काफ़ी फास्टर चार्जर है, और बॉक्स के साथ चार्जर भी मिलता है और चार्ज भी कर सकते हो, और जो जहाँ चार्जर लगा से होगा क्विक चार्ज 4.0 चार्ज होगा, और अगर बीच के साइड लगा फ़ोन के तो वहाँ क्विक चार्ज 3.0 चार्जर से चार्ज होगा, इतनी स्पीड से चार्ज होगा। दोस्तों इस फ़ोन में कमी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये फ़ोन एकदम सभी तरीके से वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। सिर्फ फ्रंट कैमरा थोड़ा डिसएडवांटेज है, बट फ्रंट कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का है, काफ़ी अच्छा है फ्रंट कैमरा भी। और दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करना। अगर मन में कोई सवाल है, डाउट है तो नीचे कमेंट करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस डॉन टेक्निकल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय दोस्तों।